नमस्कार, मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। इनकम टैक्स के बारे में जानने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि टैक्स क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए इनकम कमाता है, उसी प्रकार गवर्नमेंट भी देश को चलाने के लिए, देश पर होने वाले खर्चों का भुगतान करने के लिए टैक्स के रूप में इनकम कमाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में डायरेक्टली तरीके से या इनडायरेक्टली टैक्स चुकाना पड़ता है। एक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स देना पड़ता है। आप यदि बाजार जाते हो, वो बाजार से कुछ भी खरीदते हो, उस पर आपको टैक्स देना होगा। आप एक छोटे बच्चे के लिए आप दूध लाते हो, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। आप विवाह के टाइम और किसी भी टाइम यानी जीवन के किसी भी स्तर पर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। टैक्स दो प्रकार के, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी डायरेक्ट टैक्स व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। द पर्सन पेइंग टैक्सेस कैन नॉट शिफ्ट इट्स बर्डन ऑन अदर पर्सन, वह व्यक्ति इसका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं थोप सकता है। यदि कोई व्यक्ति सैलरी से इनकम प्राप्त करता है या बिजनेस प्रोफेशन से इनकम प्राप्त करता है तो उसको टैक्स का पेमेंट खुद को ही करना पड़ेगा। तो यह होता है डायरेक्ट टैक्स। इसमें मेन इम्पोर्टेंट टैक्स है इनकम टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी एक इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप यदि बाजार जाते हो और 100 रुपये कोई वस्तु खरीद के लाते हो तो आपको 100 रुपये में टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ता है, यानी कि आपके 100 रुपये में टैक्स भी शामिल होता है जो दुकानदार आपकी तरफ से गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। यानी ये वसूला आपसे ही जाएगा, लेकिन एक दुकानदार के माध्यम से आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, यानी आप इनडायरेक्टली तरीके से गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो। और सबसे ज़्यादा इनकम भी गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होती है। द पर्सन पेइंग टैक्सेस कैन रिकवर इट फ्रॉम अदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति ये दूसरे व्यक्ति से रिकवर करता है। आप दुकानदार के पास सामान ले गए तो दुकानदार आपसे उस वस्तु की जो रेट है वो तो लेगा लेगा, साथ में उस पर टैक्स भी जोड़कर आपसे पैसा लेगा और वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। यानी कि वो टैक्स आपसे रिकवर करेगा और गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि। इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी इनकम टैक्स 1961 में व्यक्तियों में किस किस को शामिल किया जाता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंतर्गत, यानी पर्सन के अंतर्गत 7 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। पहले नंबर पे है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है एक अकेला व्यक्ति, जैसे राम सैलरी से इनकम प्राप्त करता है और गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है, तो वो एक गवर्नमेंट के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया। यदि श्याम अपने बिजनेस से इनकम प्राप्त करता है और गवर्नमेंट को पेमेंट कर टैक्स का पेमेंट करता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया। सेकेंड नंबर पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान लो फैमिली में 4-5 सदस्य है, उस परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य उस परिवार का मुखिया कहलाता है, और वही इनकम टैक्स एक्ट के तहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता माना जाएगा, HUF का कर्ता माना जाएगा, और उसको टैक्स का पेमेंट करना होगा। तीसरे नंबर पे पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन के रूप में मानी जाएगी। जैसे मान लो पार्टनरशिप में 5-7 व्यक्ति मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, तो उस पूरे पार्टनरशिप फर्म पे जो भी कोई प्रॉफिट या गेन होगा वह इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में आएगी और वह एक पर्सन के रूप में मानी जाएगी और उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा।
चौथे नंबर पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले देखते हैं अपन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी एक व्यक्तियों का समुदाय। व्यक्तियों का समुदाय मतलब है उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है और नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है। नॉन इंडिविजुअल का मतलब उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, एचयू भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी के रूप में भी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्संस के रूप में भी हो सकता है। और नीचे दिया गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है। जैसे पांच सात व्यक्ति से राम है, एक इंडिविजुअल है श्याम, एक इंडिविजुअल है कृष्ण है, नरेश है, रमेश है, सारे व्यक्ति मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगा। पाँचवें नंबर पे है कंपनी, कोई भी कंपनी चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, वो भी एक पर्सन के रूप में मानी जाती है। छठे नंबर पे लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत जैसे पंचायती राज है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, कोई ट्रस्ट है, आदि सभी लोकल अथॉरिटी के रूप में माने जाएंगे। सेवंथ नंबर पे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, यानी ऊपर दिए गए छः में से यदि कोई व्यक्ति इंक्लूड नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति सातवें नंबर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के रूप में इंक्लूड होगा, यानी कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स से बच नहीं सकता है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी आती है और गॉड्स भी आते हैं, यानी जैसे कोई टेंपल पर डोनेशन प्राप्त होता है तो उसको तो टेंपल को भी ट्रस्ट को भी इनकम पर टैक्स देना होगा, वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन माना जाएगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जब कोई व्यक्ति को बिजनेस करता है और बिजनेस से अर्निंग करता है तो वो जिस ईयर में अर्निंग करता है वह उसके लिए प्रीवियस ईयर होता है। मान लो कोई व्यक्ति जनवरी 2020 में कोई बिजनेस से प्रॉफिट प्राप्त करता है तो उसका प्रॉफिट तो उसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की, तो असेसमेंट ईयर होता है प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर, यानी जैसे प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। अब मान लो जैसे असेसमेंट ईयर 2019-20 होगा तो उसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2018-19। यदि असेसमेंट ईयर 2018-19 होगा तो प्रीवियस ईयर होगा 2017-18, यानी कि प्रीवियस ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर का एक साल पहले का होता है और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स में इनकम को कितने हेड्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इनकम अपने इनकम पर टैक्स देने से बच नहीं सकता, कोई भी ऐसी इनकम नहीं रह जाती। इसके बाद इतने स्पष्ट परिभाषा दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की इनकम हो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, यानी वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। पहले नंबर पे बात करें तो होती है इनकम फ्रॉम सैलरीज। यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करता है और वहाँ से सैलरी प्राप्त करता है या कोई फैसिलिटीज़ प्राप्त करता है या कोई परक्यूजुट्स प्राप्त करता है या कोई अलाउंसेस प्राप्त करता है या व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्राप्त करता है तो वह सभी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में टैक्सेबल मानी जाएगी। सेकंड नंबर पे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति अपने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर उठाता है और किराएदारी से इनकम प्राप्त करता है तो वह जो भी इनकम प्राप्त करता है वो इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल मानी जाएगी। थर्ड नंबर पे है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि कोई व्यक्ति खुद का बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है जैसे सीएस हो सीए हो, वो अपना खुद का पर्सनल बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं तो इससे भी जो भी उनको प्रॉफिट या गेन होगा वह इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा।
फोर्थ नंबर पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यदि कोई व्यक्ति अपनी लैंड हो या बिल्डिंग हो, अपने शेयर्स हो, अपने ज्वेलरी हो, अपनी कैपिटल असेट्स को बेचता है और बेचने से उसको जो प्रॉफिट, जो गेन प्राप्त होता है, उस पर इनकम टैक्स देना होगा और वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। फिफ्थ नंबर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि कोई व्यक्ति ऊपर दिए गए चारों हेड्स में इंक्लूड नहीं होता, तो ऐसी सभी प्रकार की इनकम जो चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इस हेड में टैक्सेबल मानी जाएगी। जैसे मान लो गुड़ दौड़ को घोड़े रखने से आई है, ताश, जुआ, सट्टा आदि के व्यापार से जो प्रॉफिट प्राप्त होता है, या कोई वर्क पहेली से, या कोई लॉटरी से, या कोई कंपनी के डिविडेंड, कंपनी से डिविडेंड प्राप्त होता है, या इंटरेस्ट ऑन बैंक आदि, सभी इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैपिटल हेड में टैक्सेबल माना जाएगा।